बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बंगंदर नसूवर फैस्टूला, बंगंदर नसूवर फैस्टूला का बगैर ऑपरेशन इलाज। बंगंदर क्या है, इसके अलामात और वजूहात जानिए इस वीडियो में, और बगैर ऑपरेशन के इसका शाफी इलाज आपको इस वीडियो में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम जिस मर्ज पर बात करेंगे, इसे मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। हम बात कर रहे हैं बंगंदर की। इसको नसूवर का मर्ज भी कहते हैं, इसको फैस्टूला भी कहते हैं, और इसको नवासीर भी कहते हैं। नवासीर का लफ्ज नासूर से निकला है। नासूर फोड़े को कहा जाता है, जो फोड़ा बिगड़ जाता है या बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, इसे नासूर कहा जाता है। बगंदर या फैस्टूला मकद के बिल्कुल साथ एक हिस्सा का फोड़ा निकलता है। नवासीर और नासूर में थोड़ा बहुत फर्क है, अगर जिसकी लामात मिलती जुलती है, लेकिन इसमें किसी हद तक फर्क भी है। नवासीर का मसा मकद के बिल्कुल ऊपर होता है, और नासूर एक या दो इंच के फासले पर फोड़ा निकलता है, और ये फोड़ा तीन किस्म का होता है। एक किस्म में फोड़े के दो मुंह होते हैं, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ, और दूसरी किस्म में इस फोड़े का एक मुंह होता है जो बाहर की तरफ होता है। इसकी तीसरी किस्म में फोड़े का मुंह अंदर की तरफ होता है, बाहर की तरफ नहीं होता, जो बहुत ही खतरनाक साबित होता है, क्योंकि इस किस्म में फोड़े का मुंह अंदर की तरफ होता है और सारा गांध मवाद अंदर की तरफ गिरता रहता है, और जो नासूर बनकर कैंसर की शक्ल तैयार कर लेता है। अब हम इसके सबाब बताते हैं, किन वजूहात के सबाब ये मर्ज लाख हो सकता है। इसमें सबसे पहले है कसरत गोश्तखोरी, यानी कसरत से गोश्त का इस्तेमाल। ख्वाब वो बड़ा गोश्त हो, चिकन हो, या कोई भी गोश्त हो, अगर गोश्त हर रोज ज्यादा मकदार में खाया जाए इसमें तो इस मर्ज में मुबतला हो जाता है। इसके बाद कसरत शराब नोशी भी नुकसानदेह साबित होती है। तेज मिर्च मसालों का इस्तेमाल या तेज मिर्च वाली गजाओं का इस्तेमाल भी इस मर्ज का सबब बनता है। बगंदर की सूरत में इंसान बहुत ज्यादा तकलीफ से मुबतला रहता है। इस साल या पेशे का ज्यादा आना या ज्यादा असर तक रहने की वजह से भी ये फोड़ा निकल आता है, क्योंकि तेज मवाद अमा की यानी आंतों की तरफ आकर मकद की तरफ जख्म कर देता है, जिसकी वजह से ये फोड़ा निकल आता है। अगर इसका बर्वक इलाज ना किया जाए तो ये नसूर की शक्ल तैयार कर देता है। अब हम बात करेंगे इसके इलामात की। इसकी इलामात में सबसे पहले ये फोड़ा निकलता है तो इसमें जलन और दर्द बहुत ज्यादा होता है। मरीज बहुत ज्यादा बेचैनी और तकलीफ में मुबतला होता है। इसे बैठने उठने में बहुत ज्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मरीज में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है। इस फोड़े से जर्द रंग की पीक और खून मिलकर बहते रहते हैं। ये मवाद थोड़ा थोड़ा रिश्ता रहता है, जिसकी वजह से मरीज के कपड़े हर वक्त खराब रहते हैं और बदबू भी आती है, जिसकी वजह से वो खुद भी चिड़चिड़ापन महसूस करता है। इसका मर्ज जितनी जल्दी हो सके इलाज कराना जरूरी है। इससे पहले कि ये फोड़ा शिद्दत अख्तियार करके नासूर की शक्ल अख्तियार कर जाए, जो इंतहाई खतरनाक भी साबित हो सकती है, क्योंकि नासूर कैंसर की भी शक्ल अख्तियार कर जाता है। तो नाज़रीन, जितनी जल्दी हो सके खुद को इस तकलीफ से निकालें। इन तमाम वजूहात और असबाब को सामने रखते हुए तासीर दौरान के मायनाज हुक्मा डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर और फार्मासिस्ट ने साल साल की रिसर्च के बाद नहायत कीमती और खालस जड़ी बूटी पर मुश्तमल बंगंदर, जिसको फैस्टूला भी कहते हैं, इसका इलाज मुतारफ कराया, जिसके कामयाब नतीजे देखने को मिले। ये फोड़े को जड़ से खत्म करके आपको इस तकलीफ के मर्ज से निजात लाए। ये कामयाब इलाज न सिर्फ इस मर्ज का खात्मा करता है, बल्कि गर्म गुजाओं के इस्तेमाल से खून में पैदा होने वाली गर्माइश को खत्म करता है, ताकि मरीज दोबारा इस मर्ज में मुबतला ना हो सके। हजारों लोग तासीर द्वारा से फैस्टूला का इलाज कराकर सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप भी देर ना करें, बल्कि आज ही तासीर द्वारा तशरीफ लाएं और मुकम्मल तशरीफ के बाद अपना इलाज शुरू करें। नाज़रीन, इलाज के साथ साथ परहेज और एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये अपनी खुराक सादा और मुतवाज़न रखें। तेज मसालेदार खानों से परहेज करें। सादा गज़ाएं खाएं, जिसमें नरम खिचड़ी, डबल रोटी और सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें। दूध का रेगुलर इस्तेमाल करें। फास्ट फूड से मुकम्मल परहेज करें, जब तक आप मुकम्मल तौर पर सेहतमंद ना हो जाएं। इसके बाद कुछ जरूरी हदायत बताता हूँ। गंदगी की वजह से ये मर्ज बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो खुद को पाक साफ रखें, गंदगी गुलाजत से दूर रहें। अगर फोड़ा निकला है तो सफाई का खास ख्याल रखें, कपड़े साफ सुथरे रखें, खून और पी को जिसम में बाकी सफर ना लगने दें। उम्मीद है हमारे नज़रिए को आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा और बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल हुई होंगी। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत हाजिर होगा। तब तक कर लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।